वही बात याद आ गई जो मैं रिकॉल करने की कोशिश कर रहा था। आपने वो न्यूज सुनी होगी कि इंडियन एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की कल ही डेथ हुई है। हाँ, मैंने इस पे बात उस करनी पे मैंने थी। वैसे ही रैंडमली पता नहीं मेरी वो इंस्टाग्राम फीड में आ गया था तो मेरे को दिख गया एक पाकिस्तानी न्यूज़पेपर ने ये न्यूज़ कवर की एंड कमेंट्स पढ़ के आई वाज मतलब इतना वायलेटेड सा फील हुआ ना मुझे। लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं एक काफिर मर गया एक वो हो गया हा हा इमोजीज मतलब हंस रहे थे बंदे की डेथ पे। मतलब ठीक है मैं समझता हूँ तुम्हारा रिलीजन मना करता है उन लोगों के लिए दुआ करने से तो तुम चुप रह लो ना तुम्हें कौन अगर तुम अच्छा नहीं हो तो फिर कमेंट करके ये इनसेंसिटिव इतनी इनसेंसिटिविटी ये लोग दीन 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 करते रहते हैं ये दीन का नाम ले लेके इंसानियत से दूर जा चुके हैं। दीन वीन कुछ नहीं है इनका, इनका दीन सिर्फ इनको जो है नफरत करना सिखाता है। इनका दीन बस सिर्फ यही है, नफरत करो दूसरों से, बस नफरत करो एंड दैट्स इट। इलेक्शंस वोट मुझे के तो लिए जनरली डिसहार्डन फील हुआ था लोग पढ़ के कि लोग इस लेवल इनसेंसिटिविटी कैसे हो सकते हैं इनके खुद के लोग मरेंगे लोग ऐसा करें इनको कैसा लगेगा यार। दे डोंट केयर आपको ऐसी नफरत की आग में झोंक दिया है रिलीजन के पीछे। ये चीज मैं इंडिया में भी देख रही हूँ, अगर ये चीज मैं सिर्फ यही नहीं, मैंने इंडिया में भी देखी है इस चीज को कि रिलीजन के ऊपर पागल हुए जा रहे हैं, नफरतें ऐसी ऐसी लोगों से कर रहे हैं कि बस कि कोई जरा सा भी इनकी रिलीजन पे बोल दे तो उसकी तो पीछे ऐसे पड़ते हैं पागल कुत्ते की तरह पड़ जाते हैं। अरे बट इस आदमी ने किसने? तो कुछ बोला ही नहीं रिलीजन के खिलाफ इसकी डेथ को सेलिब्रेट क्यों कर रहे हो अरे जिस वो जरूरी थोड़ी है कि उसने कुछ बोला होगा, वो तो मुसलमान तो वैसे ही ना, जब भी कुछ होता है इस तरीके से कोई भी इंडियन एक्टर मरता है तो वो फौरन आ जाते हैं कि इसकी मगफिरत की माफी ना मांगो, इसके लिए रिप ना लिखो, इसको यूं नहीं बोलो, यूं नहीं करो, ये तो हिंदू था, ये तो मरेगा जहन्नुम में जाएगा। जहन्नम यानी आप जहन्नुम होकर आए हो, आपको कैसे पता कि वो जहन्नुम में बैठा है कि नहीं बैठा है? आपको कैसे पता? गारंटी क्या है इसकी? गारंटी आपके पास शिट की नहीं है और आप वहां पर बैठ के इस तरीके की बकवास करते हो। देयर जस्ट स्टूपिड इडियट्स, दे हैव नथिंग, दे हैव नो क्या कहेंगे स्टैंस, यू नो सब्सटेंस टू देयर शिट। चले, थैंक यू सो मच। लास्ट क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन उसके बाद जी नेक्स्ट कॉल ले लीजिए जी। ये तालिबान का आपको क्या लगता है कि फ्यूचर के इनकी कोई अब कितनी देर तक और रहेंगे और ये इनके कोई एक्सपेंशन का चांस है लाइक इन स्पेशली इन खाइबर पख्तूनख्वा और उन एरियाज में कुछ हो सकता है ईस्टर्न ईरान या कुछ। आई डोंट नो तालिबान का क्या होगा, आई हैव नो आइडिया कि किस तरीके से ये चीजें होंगी। अभी उन्होंने पहले तो कहा था कि हम जरा बेहतर हैं पहले से, ये वो, मगर फिर अब लास्ट वीक ही इन्होंने पता नहीं किसी बंदे के हाथ काटे हैं, तो वो शरिया लॉ फुल लेकर आ रहे हैं वहां पर। दे माइट एक्सपेंड, हाँ, क्योंकि देखें जो ये लोग खुशियां मना रहे हैं ना कि तालिबान आ गए हैं, वो कौन लोग हैं? वो इस वजह से खुश हो रहे हैं कि इनकी खिलाफत आ गई है, हमारी खिलाफत दोबारा से जाग रही है, हमारी शरीयत आ गई है, यू नो। तो ये कोशिश तो करेंगे और मैं तो कहती हूँ इनको करना भी चाहिए। ईरान तो खैर इज ऑलरेडी लाइक दैट, मगर मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान में जाओ, मैं कहती हूँ पाकिस्तान में जाओ ताकि ये पाकिस्तानियों को समझ में आए जो इतना सपोर्ट में खड़े हैं ना शरीयत के, तो इन पे जरा शरीयत दिखाएं ना आप जाकर, फिर पता चलेगा। इनको इनके इंटरनेट बंद करें ना, इनकी पॉइंट बंद करें, फिर देखें इनको कितनी अच्छी याद आती है शरीयत। नहीं एक बार तो मैं सोचता हूँ बट फिर मेरे मन में सेकंड थॉट ये भी आता है यार जो पाकिस्तान में जो पहले ही जो थोड़े ओपन माइंडेड लोग फंसे हैं उन बेचारों का क्या होगा क्या चीज? जो पाकिस्तान में ओपन माइंडेड लोग बेचारे फंसे हुए हैं जो मतलब इतना अफोर्ड नहीं कर सकते दूसरी कंट्रीज में जाना वो जो इनको मजबूरी में पाकिस्तान जैसे कंट्री में रहना पड़ रहा है जो होमोसेक्सुअल हैं ऐसे लोग हैं जो एक्स मुस्लिम्स हैं वो सब माई हार्ट रियली गोज आउट टू देम। हाँ, दैट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू लिव, मगर रह रहे हैं ना, ईरान में भी रह रहे हैं ऐसे लोग और अफगानिस्तान में भी रह रहे हैं ऐसे लोग, सऊदीया में भी रह रहे हैं ऐसे लोग जो रिलीजन को मानते नहीं है, मगर वो रह रहे हैं, होमोसेक्सुअल्स भी रह रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी लाइक ऑब्वियसली आई डोंट वांट दिस टू हैपन, मगर इन सम पार्ट ऑफ माय हार्ट, मेरे दिन में एक जगह पे होता है कि ऐसे लोग जो बहुत ही, यानी इंटरनेट उन्होंने यूज करना है, सारी वेस्टर्न की चीजें उन्होंने यूज करनी है, मगर शरीयत चाहिए उनको। तो ये देखो ना, एक फेक आईडी कह रही है मेरी बेटी कुत्ते की मौत मरेगी। मेरी बेटी को तो कुछ नहीं होगा, मगर मुझे आपकी जहनीयत का पता चल गया इस तरीके से कि आप किस जहन की हो, या हो बंदा जो ये इसके पीछे लास्ट लग बात रहा है। मैं कहता हूँ लास्ट बात मैं ये जी कहूंगा फिर उसके बाद ये जैसे ये इफ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग के पहले खैबर पख्तून में भी तालिबान आ गए थे जब पहले अफगानिस्तान में रूल कर रहे थे आई गेस तो डू यू थिंक ऐसा दोबारा चांस है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान में पहुंच जाए। हाँ, पाकिस्तान में पहुंच क्या जाए, पाकिस्तान में ऑलरेडी इनका एक विंग है, पाकिस्तान में ऑलरेडी टीएलपी टीएलपी वाले हैं, तहरीक लब्बैक वाले हैं, और ये टीटीपी वाले तो ये हैं ऑलरेडी वहां पर,
तो ऑब्वियसली देखिए ये इनका गोल है, आपको समझना है कि इस्लाम का गोल क्या है। इस्लाम का गोल है कि सब पूरी दुनिया में इस्लाम होना चाहिए। तब तक ये लोग चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पूरी दुनिया में इस्लाम नहीं फैल जाएगा। ये कब से चलती आ रही है, मुगलों के जमाने से चलती आ रहे हैं, वो भी यही कर रहे थे। तो फिर क्रूसेड्स उठी हैं, क्रूसेड्स हुई तो उन लोगों ने मार मार के वहां से बाहर निकाला, वरना तो इन्होंने वहां भी जाके कब्जा करना था। दैट इज द प्लान ना, दैट इज देयर प्लान कि हमें जो है सिर्फ खिलाफत लानी है वापस और इस्लाम जो है पूरी दुनिया में कब्जा करेगा। एंड दे माइट इवन सक्सीड, जिस तरीके से चीजें जा रही है ना, और जिस तरीके से लिबरल्स इनको और शह देते जा रहे हैं, ये अंदर ही अंदर से आपके लॉज ऐसे चेंज कर रहे हैं कि आपकी गर्दन पकड़ेगी, ये लॉज इन्हीं की गर्दन पकड़ेंगे। और होना कुछ नहीं है, होना यही है कि गोरे तो थक गए हैं इन चीजों से, गोरों को भी जो है यहाँ तक हो गई है, गोरों की बस हो गई है। तो होना यही है, द एंड ऑफ द डे लोग खुद ही निकलेंगे बाहर, गवर्नमेंट्स कुछ नहीं करेंगी, और फिर होंगी लड़ाई झगड़े, जैसे कि दंगे हुए थे इंडिया पाकिस्तान जब हुआ था ना, तो हिंदू मुसलमानों के होंगे, यहाँ पर भी मुसलमानों के दंगे होंगे। और मुसलमानों के साथ मिल जाना है, यहाँ पर मुसलमानों के साथ मिल जाना है सिखों ने, एंड दे विल फाइट अगेंस्ट इट। मगर गोरे जो है वो दे हैव हैड इनफ, वो नहीं अब बर्दाश्त करते इस चीज को। बाकी मैम ब्रिटेन को बहुत वो कहती है, ब्रिटेन का बहुत बुरा हाल है, ब्रिटेन में इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, उसके बारे में थोड़ा बताना, मुझे इतना पता नहीं है। ब्रिटेन में बहुत बुरा हाल है, आप बस सर्च कर लो ना यूट्यूब पर, बहुत सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। इंग्लैंड में पूरे पूरे शरिया कोर्ट्स हैं इनके, इस्लाम के ऊपर आप इतना ओपनली इतना नहीं वो बोल सकते हो, देयर इज टू मच गोइंग ऑन। फिर वो जो ग्रूमिंग गैंग्स आए थे सामने, हारिस तो बोल रहे हैं, हारिस सर तो इंग्लैंड में बैठे। हाँ हारिस बोलता है, मगर आई गेस यू कैन टॉक अबाउट इट सर्टेन एक्सटेंट, मगर चंद लोग ऐसे गोरे नहीं है इतने, जितने गोरे होते हैं उनको नहीं, गोरे जिस तरीके से बोलते हैं फिर उन लोगों को उठाकर वो लोग टारगेट करते हैं। अब जैसे कि वो हो रहे थे इनके ग्रूमिंग गैंग्स जो थे, वो 15 साल से बच्चियों को ग्रूम कर रहे थे, उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो कुछ करा नहीं किसी ने, क्योंकि नहीं वो हमें रेसिस्ट बोला जाएगा, हमें ये होगा वो होगा, तो ये सारे देसी ही कर रहे थे वहां पर, यू नो। चले आगे चलती हूँ मैं, अब और बहुत सारे लोग आ गए हैं, तो थैंक यू सो मच, चले टेक केयर।